नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजय शाह यानी की रामा सांग ह्यांग सिरा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मेरा आश्रम किडुंग पामुलिन जीवा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे ज्ञान की बातें करूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब भी कोई विशेष सवाल आएगा एनर्जी के बारे में और मुझे पता होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो आज के कुछ सवाल है प्राचीन जावानी मैग्नेटिज्म के बारे में और द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट जावानीज मैग्नेटिज्म, जो कि मैंने अपनी मेहनत से इसके मूल कोर तक अचीव किया है और मुझे पता चला कि एक्चुअली क्या है, कहाँ से आया है, कैसे सृष्टि हुई है। कुछ जानकारी कुछ सवालों के साथ, आप में ही से ही मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इस सवाल का जवाब चाहते हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। तो आइए पहला सवाल मैं लूंगा। यहाँ पे बताया गया है, क्या जावानिस मैग्नेटिज्म काला जादू है या क्या ये सुलेमानी तंत्र है, क्या क्या या केवल इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, दूसरे धर्म के लोग इसको नहीं सीख सकते, या फिर इसको सीखने के लिए इस्लाम को अपनाना होगा। ये सवाल है। और दूसरा सवाल उनका आया है तो उसको मैं बाद में जाता हूं। तो फर्स्ट सवाल का जवाब मैं दूंगा जो कि उनका दिया गया है कि क्या जावानिस मैग्नेटिज्म काला जादू है या सुलेमानी तंत्र है। देखिए, सुलेमानी तंत्र के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जान पाऊंगा, जानता हूं तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ फोकस तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं एनर्जी को समझता हूँ और एनर्जी इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आप किसी भी धर्म विशेष से जुड़े हुए हो, मैग्नेटिज्म जो होता है, जो ओरिजिनल जावानिस मैग्नेटिज्म है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। ओरिजिनल जावानिस मैग्नेटिज्म एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो कि आपके सभी स्पिरिचुअल, आप ये मायने नहीं रखता कौन से रिलीजिएशन या रिलीजियन से जुड़े हुए हो, कौन से धर्म से जुड़े हुए हो, ये एक पावरफुल टूल है आपके स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सही में वाकई में बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल टूल है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करेगा। और स्पिरिचुअलिटी के साथ आप एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद के या दूसरे के बहुत सारे या मैक्सिमम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस के लिए हो, जॉब से रिलेटेड हो, पढ़ाई या स्टडी के लिए हो, या फिर किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक बीमारियां या डिजीजेस है, डिजीजेस लाइक साइकोसोमेट्रिक और फिजिकल। बट वी कांट चैलेंज एनी डॉक्टर और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, इस बात को जरूर ध्यान दें। तो ये पावरफुल टूल है जिससे आप किसी भी धर्म विशेष से जुड़े हुए हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जहां तक रही कि ये नेगेटिव एनर्जी है या काला जादू है या धर्म से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं धर्म की बात बोलूंगा कि ये जो यूनिवर्स है, एक्चुअली अगर देखा जाएगा, वी आर द होली चाइल्ड ऑफ गॉड, हम ईश्वर के संतान हैं। जैसे आप देखते हो कि अब मैं भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता हूं, यहां में सूर्य है, यहाँ पे भी सूर्य निकलता है, यूएस में भी सूर्य निकलता है, इंडोनेशिया में भी सूर्य निकलता है, नेपाल में भी सूर्य निकलता है, सब सूर्य एक ही है। हम ये नहीं बोल सकते कि यह इंडिया का या भारत का सूर्य है, या अमेरिका का सूर्य है, या इंडोनेशिया का सूर्य है, या नेपाल का सूर्य है, या पाकिस्तान का सूर्य है। सूर्य तो एक है, द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज वन एंड सेम, वहां पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। उसी प्रकार एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, या ज्ञानी साई बाबा जिनको भगवान के रूप में लोग पूछते हैं, वो खुद बताते हैं कि सबका मालिक एक है। तो ऐसे चीजों को अगर हम जानकर अनजान बनते हैं तो बड़ी बदकिस्मती है हमारा, क्योंकि मानव जीवन मुक्ति का पथ होता है। कोई भी सदगुरु यही बात को बहुत सारे तरीकों से आपको बताएगा, मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ये मानव जीवन मिला ये मुक्ति का पद है। जितना ज्यादा अच्छा कर्म करो और अपने अपनी पुण्य को बढ़ाओ ताकि आपको इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो, ये सबसे बड़ा मानव जीवन का अर्थ है। तो उसके रिगार्डिंग मैं यही बोलूंगा कि ये जो हमारा कोई भी स्पिरिचुअल पथ हो या किसी भी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रिलेटेड हीलिंग ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो,
ये सभी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही एक्टिवेट होता है, और उसी से मतलब अमेजिंग वर्क होता है, मैजिकल वर्क होता है। जब आप इसमें ईगो को जोड़ दोगे और अपने वहां पे जो जुगाड़बन लगाओगे, तब वो प्योर साइंस नहीं रहता, जो कि इंडिया में अब ये हालत है कि कुछ मास्टर्स सीख कर दूसरे को अब बता भी रहे कि ये बेकार है, फेक है, जबकि ऐसे ना करिए। एनर्जी को इतना मेहनत, मैं आगे बताऊंगा कितने मेहनत किए हैं जावानीस एंसेंटर्स ने, पूर्वजों ने, इस साइंस को डेवलप करने में कितने साधनाएं, कितने रिचुअल, कितनी फास्टिंग, बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है। मैं जाना हूं, मैं भी कुछ कुछ चीजें करता हूं उसको मेंटेन करने के लिए। आपको रियल गुरु के पास से अगर आप इस ज्ञान को रिसीव करोगे तो रियल नॉलेज जरूर मिलेगा। अनजाने में ऐसे बह की बातें ना करे, किसी को गलत मिसगाइड ना करे कि यह एनर्जी अच्छी नहीं है, या फिर ये एनर्जी वर्क नहीं करता, फेक है या डुप्लीकेट है, या ये एनर्जी मैग्नेटिज्म बेकार है, ऐसे शब्द ना बोला करे। बहुत पावरफुल टूल है मैग्नेटिज्म, जैसे गंदम एक पावरफुल टूल है, उसी प्रकार मैग्नेटिज्म भी बहुत पावरफुल टूल है। बट ओरिजिनलिटी जरूरी है, गुरु कौन है ये भी जरूरी। एंसेंटर्स जो कि प्राचीन बुजुर्ग या ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ जावा और जावानिस ट्रेडिशन और जावानिस कल्चर, उनका आशीर्वाद के बिना ये ज्ञान अधूरा है। आपके पास अगर उनका आशीर्वाद है तो आप सक्सेस हो 100%, जिसको इंडोनेशियन लैंग्वेज में मंताप बोला जाता है। ओके गुड, एकदम परफेक्ट मंताप, यस। परंतु अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है और आप किसी ऐसे इंसान से आपने इस कोर्स को लिया जिसके पास खुद अपने आप को स्पिरिचुअल तो बोलता है बट उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो भरा हुआ है, कैसे पता चलेगा? सोलर प्लेक्सस चक्र को स्कैन करो, हार्ट चक्र को स्कैन करो, पता चलेगा। स्कैन कैसे करते, मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो है, फ्री में स्कैनिंग की ट्रेनिंग है, आप वहां पे सर्च करके आप वहां उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। एक दिन में मास्टर नहीं बनोगे, डे बाय डे प्रैक्टिस, रिपीटेशन इज द मदर की ऑफ ऑल लर्निंग। आपको रिपीट करना पड़ेगा बार बार सीखने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज में मास्टर बनने। सो दिस इज अ पावरफुल टूल टू इंक्रीज टू एनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन विदाउट एनी बिग रिचुअल एंड अदर थिंग्स और अदर फॉर्मेलिटीज। दिस इज नो स्पेसिफिक गॉड इन दिस वर्ल्ड। अगर ईश्वर विश्वासी हो, मैं तो उस परमेश्वर को मानता हूं जिसका ना कोई धर्म है, ना जात है, ना रंग है, ना रूप है। एक्चुअली उनका तो कोई रूप ही नहीं है, दिखते नहीं है, इनविजिबल है, महसूस कहीं ना कहीं उच्चतम ज्ञान से हम उनको महसूस कर सकते। सिद्धि किसे बोलते हैं या साधना किसे बोलते हैं? किसी चीज को अपने भीतर साधन कर लेना ही परम साधना है। अब वो किस उद्देश्य से आप कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भगवान को मानना छोड़ दो, एवरीथिंग इज देयर, बट आप कैसे आप बोल सकते हो कि अगर ईश्वर हमारे माता पिता है, जन्म के समय हम क्या है, इंसान के रूप में जन्म लिए, ईश्वर ने हमको इंसान बनाकर भेजा है, उसके बाद हमने बहुत कुछ जाना इस सोसाइटी से जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी है, सोसाइटी को बांध के रखने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, सब चीजें हमारे पूर्वज ने मेहनत करके बहुत सारे तरीके ढूंढने का उसका एक अंश है। परंतु क्या आप मतलब ऐसे ही किसी धर्म से कैसे जोड़ सकते हो एनर्जी को? एनर्जी को हम बांध नहीं सकते, एनर्जी तो निरंतर बहने वाली महासागर है जिसका ना अंत है ना उदय स्थल है, जहां भी जाओ समंदर ही समंदर है। एक्चुअली वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर ने बोला है कि हम एनर्जी के समंदर में वास करते हैं। डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर, गूगल में सर्च करिए उनका नाम, जिनके नाम से मेस्मरिज्म का उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, तो ऐसे ही है, आप इसको किसी विशेष धर्म से जोड़ नहीं सकते। जैसे सूरज भारत का
और इंडोनेशिया का, अरब का, पाकिस्तान का, यूएस का एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर सबका एक ही है। आप विभिन्न नाम से उनको जानते हो और विभिन्न मार्ग से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम, बस यही है फर्क। तो यहां पे जो सवाल आया है कि दूसरे धर्म के लोग इसको नहीं सीख सकते, नहीं, आप बेफिक्र सीख सकते हो, और इसके लिए इस्लाम को अपनाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसका ओरिजिनल कोट, जैसे प्राचीन समय में जावा यानी इंडोनेशिया में जो जावानी समुदाय थे, वहां पे हिंदुज्म और बुद्धिज्म बहुत बड़े पैमाने में था। कालांतर में कन्वर्शन हुआ, आज के डेट में इंडोनेशिया दुनिया का एक सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन गया है। लेकिन आज भी वहां के 2 लाख रुपए के नोट में, मैंने सुना है, मेरा इंफॉर्मेशन गलत होगा तो मैं माफी चाहूंगा, गणेश जी की फोटो है। दुनिया का सबसे बड़ा नारायण की मूर्ति इंडोनेशिया में स्थित है। बुद्धा के बहुत बड़े बड़े मंदिर, हिंदुज्म के बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स मंदिर वहां पे है, और वहां पे लोग हैं आज भी। बाली नामक जगह पे 90% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, और वो लोग हिंदू ट्रेडिशन को एकदम पकड़ के रखे हैं, और उनका ट्रेडिशन बहुत ही मतलब पवित्र है। बहुत सारी चीजें हमको उनसे सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें उनको हमसे सीखना चाहिए, तब जाके ज्ञान आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि बहुत दिनों से बिछड़ जाने के बाद बहुत सारे चीज अलग हो जाता है। अब समय आ गया दोनों को मिक्स करने का। तो आप में से भी किसी को मौका मिलता, जाइए बाली, वहां के लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स है। जाइए, शिव जी के टेम्पल है, गणेश जी का है, हनुमान जी का है, नारायण के है, माता रानी का है, सबका है वहां पे, काली मैया का है, हर जगह में बहुत सारे ऐसे मजेदार चीजें आपको वहां पे मिलेगी, इतना अच्छा जगह है। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि आप कोई भी इस विद्या को सीख सकते हो। और जो ये काला जादू और सफेद जादू, ये एक ना एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, बहुत बड़ा गलत फहमी है। आइए इसके बारे में मैं आगे बताता हूं, नेक्स्ट सवाल को लेता हूं। नेक्स्ट सवाल को ले, डोडी मैगिस जो कि अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म नाम से इंडोनेशिया के मास्टर है, जिन्होंने मैग्नेटिज्म को वर्ल्ड में फेमस किया है, वो दावा करते हैं कि वो मतलब इसका फाउंडर है। एक्चुअली ही इज नॉट फाउंडर, हाँ, अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म का ही इज ए फाउंडर, बिकॉज उन्होंने जावानीज लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, दैट्स ऑल, उनका काम इतना ही है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखा, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को उन्होंने रिसर्च किया, और एनर्जी के नाम और एनर्जी के मास्टर्स को जानकर, क्योंकि उनके पास अच्छी, क्योंकि वो एक मास्टर है, बहुत अच्छे मास्टर है, तो उन्होंने उसको अपने एनर्जी के थ्रू, ओरिजिनल जापानीज मैग्नेटिज्म के थ्रू उसको अपने मैग्नेटिज्म कोर्स में उन्होंने शामिल किया और लोगों को सिखा रहे हैं। साथ में हिप्नोटिज्म, मैस्मिरिज्म के टेक्निक्स उन्होंने उसको जोड़ा और इसको बताया। ये आप इस प्रकार से फाउंडर बोल सकते हो, बट नॉट ओरिजिनल जापानीज मैग्नेटिज्म फाउंडर। ओरिजिनल जापानीज मैग्नेटिज्म के अगर कोई फाउंडर है तो उसका नाम नहीं है, वो है द एंशिएंट एंसेस्टर्स ऑफ जापानीज कल्चर, प्राचीन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ जावा, वो फाउंडर है। इसके लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया है, कठिन रिचुअल्स किए हैं, कठिन साधनाएं किया है, कठिन मेडिटेशंस किया है, और अपने भविष्य के नेक्स्ट जनरेशन को देकर गए हैं, और जनरेशन बाय जनरेशन वो आता गया और आज के डेट में डोडी मैगिस के पास ये पहुंचा है, और डोडी मैगिस इसको उसमें और सारी चीजों को मिलाकर सिखा रहे हैं। बस ही, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वेरी गुड एंड ऑनेस्ट टीचर, बहुत अच्छे हैं। क्या है कि हायर एनर्जी आपको चाहिए, यानी कि एनर्जी देने वाला कौन है? गॉड है, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, तो गॉड देगा तो गॉड ही आपको देने वाला है ना, गुरु तो एक माध्यम होता है। और आपको हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके लिए आपको हायर डोनेशन देना चाहिए। डोनेशन कई तरह का है, श्रम में डोनेशन कर सकते हो। मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि आपको मुझसे सीखना है, पैसे नहीं, आइए 5-6 महीना मेरे पास रहिए, आके मुझे श्रम दान दीजिए, मैं आपको देता हूँ, ज्ञान दान देता हूँ, सीधी बात है। तो जिनको भी उनका नॉलेज या उनका जो एनर्जी शेयरिंग है या डोनेशन है आप दे नहीं पाते, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं एकदम सस्ते में दूंगा, क्योंकि यूनिवर्स, ये जो एनर्जी सस्ता नहीं है, तो आपको इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन आप सीख सकते हो, बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। हाँ, तो
रोडी मैगिस इज अ ओरिजिनल जीनियस, और उन्होंने इसको वर्ल्ड में फेमस किया, और मैं कहीं ना कहीं उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, और बाद में मैंने अपने गुरु से सीखा था डॉक्टर रविंद्र यादव, जो कि रोडी मैगिस के स्टूडेंट है, ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट है। बट अब मैं इस लीनेज से भी हट गया हूँ, क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल गुरु है जावानी गुरु, उन्होंने मुझे सारी जानकारी और सारी नॉलेजेस दिए हैं। तो मैग्नेटिज्म का भी पूर्ण ओरिजिनल जावानी मैग्नेटिज्म, जहां में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं है, टोटल जावानीज लैंग्वेज में है, वो विद्या भी मेरे पास है। लेकिन आप बोलो कि सर जावानीज लैंग्वेज में ज्यादा काम करेगा या इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में या बंगला में, कोई भी लैंग्वेज में ज्यादा काम करेगा? देखो, लैंग्वेज यहाँ पे मायने नहीं रखता, आप अपने भाषा में ट्रांसलेट करके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कुछ कोड्स है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा बदला गया है, वो कोड आपको समझना पड़ेगा, और वो कोड रियल लोगों को ही मिलेगा, सबको नहीं दिया जा सकता। ये माफी चाहूंगा, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट को वो कोड नहीं दिए है, जिनका जो लेवल है मास्टर लेवल पे वो कोड दिया गया है, बहुत चुनिंदा लोगों को मैं पर्सनल मास्टर दे रहा हूं। आपको भी सीखना है, आप कनेक्ट हो सकते हो और कर सकते हो, और जो दिव्य शक्तियां हैं एंजल से, उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ते हैं। लोग परेशान हैं, लोग सोचते हैं कि मंत्रा इज ए फैक्टर, मंत्रा काम कर दे, मंत्रा काम नहीं करता है। बिना एंजल्स के, बिना दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद के, बिना गुरुओं के आशीर्वाद के, बिना ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद के, कोई भी मंत्रा आप इस्तेमाल कर लो काम नहीं करेगा, और अगर काम कर भी रहा है उस लेवल में नहीं कर रहा है जिस लेवल पे वो काम करना चाहिए। ये है ओरिजिनल। तो आपको वो आशीर्वाद चाहिए तो रियल गुरु को ढूंढना होगा, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं भारत में, आज उनका भी यूट्यूब में चैनल है, उनमें से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। दुर्भाग्यवश कुछ स्टूडेंट बाहर भी चले गए, उनको और मतलब डबल क्रॉस करके आगे बढ़ना था, लेकिन जो भी, आज वो लोग मुंह से बोल रहे कि काम नहीं करता, फेक है। लेकिन जो मेरे अपने गुरु के साथ है, यानी मेरे साथ में है, वो कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, और उस कमाल के चलते कई सारे लोग दोबारा अब इसको रिपीट भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो बंद हो गए थे या दूर हट गए थे, वापस आ रहे हैं, सर हमको आप इसको करना है, क्योंकि वो इंसान जब कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनकी फ्री में दोबारा रिपीटेशन करवा रहा हूं, वही ज्ञान जो मैंने पहले दिया था, और दोबारा उनका वर्क चालू हो रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस है, आपके भीतर स्पिरिचुअल ईगो आ गया तो कभी काम नहीं करेगा, बहुत डेंजर है स्पिरिचुअल ईगो। आप बोलोगे सर स्पिरिचुअल ईगो क्या है, बोलने जाऊंगा तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, आगे कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आइए, तो डोडी मैगिस के बारे में जो मैंने बताया था, ये भी आपको क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट सवाल में आऊंगा। तो नेक्स्ट सवाल में ये है कि किसी विशेष ऊर्जा को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस समय में या प्राचीन समय में नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया था, उससे उसको उससे क्या काला जादू होता है या किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? देखो, ये वाला सवाल जो है, मैं पहले भी छोड़ गया, मैंने बोला कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ा गलत फहमी है, बार बार बोलूंगा। सोचो, आज एक एग्जाम्पल लेता हूं, रामायण महाभारत काल में रावण कोई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, उनका बेटा मेघनाथ जो इंद्रजीत कोई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने अपने इंटेंशन से एनर्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन एनर्जी मिली कहां से उन्हें? द सोर्स ऑफ क्रिएटर इज गॉड, ईश्वर से मिला है, तो वो एनर्जी भी ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर नेगेटिव है, नकारात्मक है, काला है, कि आपका कर्म आपका सोच? देखो, अगर ऐसी एनर्जी है जो आप किसी के भले के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे मेघनाथ के पास में एक अस्त्र था या एनर्जी था, जो वो किसी को भी कृत्रिम निद्रा आ जाता था, सुला देते थे, वो एनर्जी को अगर आप मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल करते हो, जो मैग्नेटिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है वो एनर्जी का नाम क्या है, जिनको रियल अगर मिला है, तो वो एनर्जी इंद्रजीत इस्तेमाल कर रहे थे खराब के लिए, लेकिन क्या वो नेगेटिव है? नहीं, वो एनर्जी से आप किसी को ट्रांस में लेते हो, हिप्नोटाइज करते हो, और उसके बाद उसको पॉजिटिव सजेशंस देते हो, और उनकी पॉजिटिव एनर्जी से हीलिंग करते हो, दैट्स गुड। मेरे नजर से देखो को, वो बहुत परफेक्ट वर्क है, एनर्जी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो एनर्जी के प्रति ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
डिपेंड करते हैं आप क्या करोगे। लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छुरी को ले लेते हो और आप एप्पल काटते हो, फ्रूट्स काटते हो, सब्जियां काटते हो, पॉजिटिव पावर क्या, और वही छुरी से आप इंसान को डराते हो, धमकाते हो, मर्डर करने की कोशिश करते हो, ऐसे से बदमाशियां करते हो, लूटमार करते हो, तो नेगेटिव पावर है। आप छुरी का क्या दोष है, तो एनर्जी का क्या दोष है भाई, दोष नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी एनर्जी का आप इस्तेमाल अच्छे के लिए करोगे तो काम कर सकता है। और डिपेंड, एक चीज और डिपेंड करता है कि रामायण महाभारत काल यानी कि सत्य त्रेता द्वापर, ये जो अब तो घोर कली चल रहा है, तो प्राचीन समय में हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, हमारी जो हाइट थी, हमारी जो आयु थी, बताया जाता है कि सतयुग में हजारों वर्ष होती थी, तो उस समय के अनुसार अगर देखोगे आज का जो कलयुग में बहुत सारे चीजों को एनर्जी के लायक ही हम नहीं। जैसे बोला जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान से लंबे लंबे तलवार मिले, 6 फीट 7 फीट लंबा चलो तलवार, तो 6 फीट या 7 फीट लंबा तलवार को चलाने वाला कितना लंबा था। आज के डेट में अगर हम चलाएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 फीट के तलवार ही चलाने में हमको तकलीफ हो जाएगी। उस समय 6 से 7 फीट के तलवार कौन चलाते थे। तो फिजिकल फिटनेस भी थी, हाइट भी थी, उम्र भी थी, बहुत कुछ फैक्टर है, काल के फैक्टर्स भी होता है। काल के समय, काल यानी समय के अनुसार हर चीज दुनिया में बदलती रहती है, तो ये भी बदला है। तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो कि आज के डेट में कलयुग में साधन नहीं किया जा सकता। अगर साधन कर भी लोगे तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एनर्जी को, पहले हम अपनी बॉडी में डाउनलोड करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं खुद के या दूसरे के लिए। तो जब आपकी बॉडी ही उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तब वो एनर्जी कोई काम का नहीं है। बॉडी में एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको अपनी बॉडी को मैग्नेटिज्म के अनुकूल बनाना हो, तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन होते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके द्वारा आप आपको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे हम आप बहुत आगे तक महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने पैसा दिया किसी गुरु को, गुरु ने आपको मंत्रा दे दिया, इनिशिएशन दे दिया और आप कल से शुरू कर दिए और नहीं हो रहा है, तो गुरु बेकार है। गुरु बेकार नहीं है, तुम्हारी सोच बेकार है और तुम बेकार हो, क्योंकि तुमने काम नहीं किया उस जगह पे। गुरु ने जो सिखाया, मंत्रा बेचा नहीं जाता है, ज्ञान शेयर किया जा सकता है धन के बदले में या श्रम के बदले में, ज्ञान को गुरु दान करता है। गुरु का एक एक बिंदु को समझना होगा और उसको प्रैक्टिस करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं। कितना भी मंत्र आप ले लो, मंत्र सीखना है तो बुक खरीद लो भाई, बाजार में कितने सारे मंत्र तंत्र के बुक मिलते हैं, उससे सिद्धि कर लो, नहीं होगा ना गुरु के बिना। तो सही गुरु चाहिए, सदगुरु बहुत नसीब से मिलता है किसी को, और कई लोगों की किस्मत में तो गुरु मिलने के बावजूद वो समझते नहीं फिर उनका, क्योंकि उनका उसका वो जीवन में वो है नहीं, शायद एक दो जन्म के बाद उसकी किस्मत में ये धन मिलेगा, अभी इस जीवन में के लिए नहीं है ये, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटा है, मैंने खुद अपने जीवन में भी देखा है उसको। तो इस प्रकार से जो सवाल आया था कि नेगेटिव किसी विशेष ऊर्जा को जो नेगेटिव, काला जादू सफेद जादू क्या होता है, ये आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करोगे। हाँ, लेकिन एक मतलब जब आप हायर लेवल की एनर्जी में जब जाते हो, पहुंचते हो और आपकी सिद्धि हो जाती है, तो आप ऊर्जाओं को इस्तेमाल हर तरह के किया जा सकता है या कर पाने में समर्थ होते हो। करना नहीं करना या आपके ऊपर है, करोगे, कर्मा बहुत बड़ा चीज है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ो। तो यही है वो चीज जो मैं बताना चाहता था। एक आइए एक और, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको बारे में पूरा और बता देता हूं कि जैसे विशेष विशेष धर्मों में कई सारे प्रतिबंध होते हैं, क्या उसी प्रकार जावानिस मैग्नेटिज्म में किसी प्रकार का प्रतिबंध होता है या लिमिटेशन होता है, ऐसा करके एक जन ने मुझे पूछा है। तो मैं सीधा बोलूंगा, देयर इज नो लिमिटेशन, धर्मों में लिमिटेशन है लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं बता दूंगा कि यहां पर क्या है, एक्चुअली जावानिस मैग्नेटिज्म इज अ टूल टू इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे इंपॉर्टेंट है, ईश्वर तो एक है बट अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है, उनको साधना की जाती है, बट परंतु जो उन सभी का उद्देश्य होता है, ईश्वर के समीप जाना या ईश्वर को प्राप्त करना या ईश्वर में समा जाना,
Javanese magnetism is a powerful tool to aware spiritual development. Awake spiritual development. और आपके अंदर awareness भी आएगा और आपकी ऊर्जा awakening भी होगी. बस यही है. Because we are the divine child of God. हम ईश्वर के पवित्र संतान हैं और ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनके नजदीक रहें. जैसे हमारे माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ हमेशा रहे, उसी प्रकार ईश्वर भी वही चाहता है और वो हमारे साथ ही रहता है. एंशियंट टाइम में जावानीस लोग बहुत अलग थे. वहां में हिंदू बुद्धा धर्म के बहुत जोर शोर में था, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था. एंशियंट टाइम में जावानीस लोग बहुत सारे रिचुअल लाइक फास्टिंग किए, मेडिटेशंस किए और साधनाएं किए, मतलब मेहनत इतने, जैसे हमारे भारत के मुनि ऋषि आज भी हिमालय में कितने साधनाएं करते हैं, ऐसे बहुत सारे साधनाओं के बाद ये जावानीस मैग्नेटिज्म का जन्म हुआ है. और जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो देकर गए अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जनरेशन में जनरेशन हमारे तक पहुंचा है, मेरे तक भी पहुंचा है. बट मेरा किस्मत है कि मेरे अपने अपने बुजुर्गों से नहीं पहुंचा, मुझे एंशियंट ट्रेडिशन के बुजुर्ग से मुझे मिला है. तो इसको कभी भी आप उस मतलब में नहीं ले सकते. मैंने बहुत ढूंढा और फाइनली मैंने ओरिजिनल कोर तक पहुंच पाया. मैं ये एनर्जी का ओरिजिनल कोर को मैं समझा, जाना, यूनिवर्स को जाना, ईश्वर को जाना, तब मैं ये सारी चीजें आपको बोल पाने में सामर्थ हूं. और इसके लिए गुरु कृपा ही सब केवलम. तो गुरु ने वो कृपा की और मेरे गुरु को मैं नमन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से. मेरे गुरु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने सारे नॉलेजेस दिए. तो जो अभी जो सवाल हमारे पास में था, जो कि जावानीस मैग्नेटिज्म किसी प्रकार के प्रतिबंध है या नहीं है, अगर पूछोगे नहीं, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे प्रतिबंध है, लेकिन जावानीस मैग्नेटिज्म में प्रतिबंध नहीं है. हाँ, बट स्पिरिचुअल साइंस है तो यू मस्ट स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र प्रतिबंध है आपको. विदाउट स्पिरिचुअलिटी ये ज्ञान काम नहीं करेगा. मेरे ही एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि सार्वजनिक नाम नहीं लेना चाहिए, उड़ीसा के हैं, मुझसे सीखे मैग्नेटिज्म और अच्छा काम चल रहा था उनका. बट अचानक उनके मन में क्रोध आया, किसी के ऊपर नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया. जिस दिन किया उस दिन से ही वो मैग्नेटिज्म काम करना बंद कर दिया. करीबन 6-7 महीना या 1 साल 1.5 साल उन्होंने काम नहीं किया. फिर उन्होंने, उनके दिमाग में शायद उनका अंतरात्मा जागा और उन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे माफी मांगा अपने गुरु से और बोला सर मुझे दोबारा शक्ति दीजिए ताकि मैं इसको फिर से अब खुद के, अब दूसरे के भले के लिए इस्तेमाल कर सकूं. तो मैंने उनको दोबारा और आगे और सच्चे रास्ते में दिखाया और अब वो अपना काम कर रहे हैं. तो ऐसा होता है, प्रतिबंध तो नहीं है लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते. जितना ज्यादा शक्तियां मिलेगी या क्षमताएं मिलेगी उतने ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. आप अगर ईश्वर कौन दे रहा है, गुरु थोड़ी ना दे रहा है, गुरु तो एक माध्यम है, ये गॉड दे रहा है, ईश्वर दे रहा है आपको. तो ईश्वर ने आपको काबिल समझा है इस एनर्जी का और हायर एनर्जी आपको दे रहा है, तो उसके लिए आपकी भी एक जिम्मेदारी ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बनाए गए इस दुनिया के लिए अब अच्छा काम करो, नहीं कि अपने शर्त के लिए किसी का भी नुकसान कर दो, ऐसे आप नहीं कर सकते. तो ये है ये टोटल मैग्नेटिज्म का कुछ चीजें मैंने आपको बताया. और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ओरिजिनल जापानीज मैग्नेटिज्म है वो जापानीज लैंग्वेज में है और द अल्टीमेट जापानीज मैग्नेटिज्म इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है और उसमें नए सारे चीजें जोड़ गया है और कुछ पुराने चीजों को छोड़ दिया गया है. तो उसके बारे में मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा क्या जोड़ा क्या छोड़ा गया है. बट दोनों ही मेरे पास है. मैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बोल के जो कोर्स करवाता हूँ वही अल्टीमेट जापानीज मैग्नेटिज्म है जो मैंने अपने गुरु रविंद्र यादव से, डॉक्टर रविंद्र यादव से सीखा था जो कि डोडी मैगिस के स्टूडेंट है. बट उस ट्रेडिशन से मैं अब बाहर हूँ, मेरे गुरु अब अलग है. मैं उस गुरु के जो उसके लीनेज होता है उससे बाहर हो गया हूँ. अब मेरा जो पवित्र गुरु है और स्पिरिचुअल गुरु है उनके लीनेज से मैं हूँ, इसीलिए मेरा दिया हुआ शक्तिपात अलग होता है और मेरी कोर्स टोटल अलग है, डिफरेंट है. अगर आप डोडी मैगी से, उनके किसी स्टूडेंट से सीखते हो वो कोर्स आपको अलग मिलेगा और अगर आप मुझसे सीखते हो तो वो कोर्स आपको अलग मिलेगा. वो भी इसमें भी डिसाइड करूंगा. पहले तो मैं आपको अल्टीमेट यही सिखाऊंगा जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म है, लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो और एंसेंटर्स
यानी ग्रैंड पेरेंट्स, और दिव्य शक्ति अगर मुझे परमिशन देता है आपको ओरिजिनल देने में, मैं आपको जरूर दूंगा, मेरा पक्का वादा है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड कर ले, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो जब भी पोस्ट करूं आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख ले। साइड पास लेके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आपको ओरिजिनल मैग्नेटिज्म कोर्स करना है भारतीय इंसान के साथ, क्योंकि आज के डेट में मेड इन इंडिया चल रहा है भाई, वो जो मेड इन जापान मेड इन चाइना वो बंद हो रहा है अब धीरे धीरे। अब कितना भी बड़े मास्टर को ले आ जाओ, मैं जानता हूं मेरे पास क्या है उनके पास क्या है, बहुत सारे मास्टर से मैं जिंदगी में मिला हूं, गुरु भाग्य मेरा बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं किसके पास क्या है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो यही ईश्वर से मेरे प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि जिनके द्वारा मेरा उपकार होगा और मेरे द्वारा जिनका उपकार होगा वही लोग ही मुझसे जुड़े। तो अगर आपको जुड़ना है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। एनर्जी शेयरिंग तो है, डोनेशन तो आपको देना है, बट कंजूसी नहीं रहेगी, रियल ज्ञान दूंगा, ये मैन टू मैन प्रॉमिस वादा है। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर सक्सेस।